सो हेलो एवरीवन, टाइटल आपने देख लिया, स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोज, वेलकम टू द आजला दी अनबॉक्सिंग। तो आज की बात करते हैं, तो यार अगर आपने फोटोशॉप यूज़ करना है, लाइट रूम यूज़ करना है, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना। अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख है, इस प्राइस रेंज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 है इस प्राइस रेंज में, यार मैंने 2 लैपटॉप को रखा है, ये दोनों लैपटॉप पूरे परफेक्ट मिल जाते हैं। दोनों आते हैं असूस की ओर से, मैं बात कर रहा हूँ असूस रॉग से ट्रिक्स की, एंड भाई असूस रॉग ज़ेब्रस G14 की। ये दोनों लैपटॉप बहुत आपको अपर देखने को मिल जाते हैं। बात करूं मैं असूस रॉग से ट्रिक्स की, इसमें आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी, 16 GB रैम मिल जाएगी, उसके बाद आपको i7 देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं। सो दैट्स वाई इसको मैंने 90,000 के बजट में रखा, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको 90,000 के बजट में ये लैपटॉप मिल जाएगा। अभी बात करते हैं असूस रॉग ज़ेब्रस G14 की। तो 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला लैपटॉप है, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसके कलर, इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ इसकी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डुअल फैन मिल जाते हैं, एंटी डस्ट कूलिंग मिल जाती है, उसके बाद आपको लाइटिंग सिस्टम मिल जाता है बैक साइड में, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि इसकी मतलब प्लस पॉइंट आ जाते हैं। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात दोनों की कर लेता, तो सबसे पहले बात करते हैं असूस रॉग से ट्रिक्स के मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 15.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि आई प्लस लेवल डिस्प्ले है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है, अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो आपके लिए परफेक्ट डील होने वाली है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i5 भी मिल जाएगा, आपको i7 भी देखने को मिल जाएगा। जो 90,000 के बजट में ये लैपटॉप मिलेगा, उसमें आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, उसमें आपको 16 GB रैम मिल जाएगी, 512 GB SSD देखने को मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, 4 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 7 to 8 hours का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूँ, 85,000 से लेके आपको 95,000 के बजट में i7 16 GB रैम एंड 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ असूस रॉग से ट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस रॉग से ट्रिक्स के भी, अभी बात करते हैं असूस रॉग ज़ेब्रस G14 की। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेज डिस्प्ले है। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, ये 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा, ठीक है। 90,000 से लेके आपको जो 1,10,000 के बजट में, उसमें आपको 5 भी मिल जाएगा, आपको 7 भी देखने को मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हो, जितना भी आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। स्टोरेज की बात करूँ, 8 GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको RTX भी मिल जाएगा, GTX भी मिल जाएगा, 4 GB भी देखने को मिल जाएगा, 6 GB भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडोज 10 देखने को मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूं, आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, ये 90,000 स्टार्ट हो जाता है, इसका प्राइस आपको 1,16,000 तक भी देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने अभी आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए, अभी बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। यार अगर आपका बजट कम है, असूस रॉग से ट्रिक्स जो है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप पे कर सकते हो 1,10,000, जब 1 लाख अगर आप पे कर सकते हो, तो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है असूस रॉग ज़ेब्रस G14। 2020 में बहुत बिका, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, जो कि एक उसका प्लस पॉइंट भी आ जाता है, बिकॉज डिज़ाइन हो गया, उसके स्पेसिफिकेशन होगी, उसकी डिस्प्ले होगी, प्लस आपको जो LED लाइटिंग बैक साइड में मिल जाती है ना, उसकी लुक लैपटॉप की बहुत आगे लेकर चल जाती है। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,40,000 हो जाता है, इस प्राइस रेंज में मैंने फिर से रखे हैं यार 2 लैपटॉप, एक आता है असूस की ओर से, दूसरा आता है HP की ओर से, ठीक है। दोनों लैपटॉप बहुत तगड़े मिल जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं असूस ज़ेनबुक 2 की, एंड मैं बात कर रहा हूं HP Spectre X360 की, ठीक है। अगर इनके बारे में आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप देख सकते हो, आपको 4.5 दोनों में मिल जाएगी, Amazon टैग दोनों में देखने को मिल जाएगा, प्लस पॉजिटिव कमेंट दोनों में देखने को मिल जाता है। HP Spectre X360 जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिएटर्स बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज आपको 4K डिस्प्ले मिल जाती है, डिज़ाइन कलर वगैरह बहुत सही है, प्लस उसके जो ट्रैक पैड है वो भी बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप टाइपिंग वगैरह ज़्यादा करते हो, तब भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। अगर मैं बात करूँ असूस ज़ेनबुक 2 की, तो उसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अभी बात करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए कौन सी सही है, तो यार दोनों बहुत तगड़ी है यार, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक बार आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अभी बात करते हैं दोनों के मेन स्पेसिफिकेशन की।
तो यार एच पी स्पेक्ट्रा एक्स 360 की बात करूँ, सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ तो 15.6 इंच 4K टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, प्लस एच पी पेन के साथ देखने को मिलती है जिसके साथ आप यूज कर सकोगे, तो एज अ क्रिएटर आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया इंटरनेशनल क्रिएटर्स इसको बहुत पसंद करते हैं। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i7 10th जनरेशन के साथ मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ GTX 1660 Ti 4GB के साथ मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडोज 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्राइस की बात करूं आपको 1,20,000 के बजट में HP स्पेक्ट्रा X360 ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP स्पेक्ट्रा X360 की। अभी बात करते हैं ASUS ZenBook Duo की। तो यार डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS लेवल डिस्प्ले है। सेकंड डिस्प्ले की बात करूं वो आपको 12.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी जो कि IPS लेवल डिस्प्ले जो कि टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको i7 देखने को मिलेगा 10th जनरेशन के साथ। स्टोरेज की बात आपको 16GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात आपको NVIDIA GeForce MX250 देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात आपको 10 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाता है। प्राइस की बात करूं आपको 1,25,000 के बजट में ये स्पेसिफिकेशन के साथ ASUS ZenBook Duo देखने को मिल जाएगी। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप्स के बता दिए। दोनों लैपटॉप आपको पूरे लोडेड मिल जाते हैं। अगर आपने फोटो एडिटिंग करनी है, अगर आपने एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, दोनों लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। दोनों में से कोई भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर बात करते हैं कि मैं कौन सा लेता, तो यार मैं सच में बोलूँ तो यार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता बिकॉज ASUS ZenBook Duo जो है वो भी बहुत अपर है। एंड अगर मैं बात करूँ HP Spectre X360 की, वो तो आपको सच में अपर देखने को मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर बंदे जो है ना वो HP Spectre X360 की ओर जाते हैं अपने इंडियन, तो खास करके बिकॉज यार HP हो गया, डेल हो गया, उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है। उनको लगता है कि ये जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ प्रोवाइड करते हैं ऐसे वैसे वैसे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ASUS अपनी जगह भी बहुत ज़्यादा अपर है। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, तो भाई मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है Apple MacBook 13 या Apple MacBook Pro। दोनों में से कोई भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बस आपने इतना ध्यान रखना कि आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना है। स्पेसिफिकेशन मैं आपको नहीं बताने वाला, बस मैं आपको इतना बोलूँगा अगर आपने इसकी और जाना है ना, या अगर आपने Apple MacBook Pro की और जाना है, या Apple MacBook 13 की और जाना है, बस यार आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, उसके नीचे आपने नहीं जाना। बिकॉज आप एज अ मतलब अगर आपने ज़्यादा टाइम रखना है ना तो आपके काम आएगा। अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो 16GB रैम आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Apple MacBook Pro के भी, Apple MacBook 13 के भी। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपने 16GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, उसके नीचे आपने नहीं जाना। उसके अपर अगर आप जाना चाहते हो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा गुड डील हो सकती है। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिया, हर एक प्राइस रेंज में मैंने आपको लैपटॉप बता दिया जो कि सच में जन्नत होने वाला है। अभी अगर आप पैसे लगा देते हो तो वो पैसे खराब बिल्कुल भी नहीं, 1% भी आपके पैसे खराब नहीं होने वाले। अगर आप और भी सर्च आउट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। प्लस मैं आपको कहना चाहता हूँ सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। यार आप अगर आपने चेकआउट करना है, डीपली देखना है, सिर्फ देखना चाहते हो या लेना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।